तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसी दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, बस यही दिल में उम्मीद और हौसला लिए, अपने ख्वाबों को पंख देकर उड़ चले, धारावी के रहने वाले फैसल से पूरी दुनिया में फैसू के नाम से जाने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको फैसू के ज़िंदगी के कुछ कहे अनकहे फसाने बताते हैं। धारावी में पले बड़े मिस्टर फैसू ने शायद सपने भी नहीं सोचा था कि वो इतने पॉपुलर हो जाएंगे। उनके टिकटॉक पर 24 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स कंप्लीट, उनके इंस्टाग्राम पर 5M फॉलोअर्स कंप्लीट है। फैसू का जन्म 7 अक्टूबर 1994 में हुआ था। उनके घर में उनकी मम्मी डैडी और दो बहनें हैं और एक भाई भी है उनका। फैसू शाहरुख खान और सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और दिशा पटानी भी हैं। फैसू डेली 2 घंटे जिम करते हैं और अपने मजहब को पाबंदी से निभाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी उनको सफलता मिल रही है उनकी माँ की दुआ और रब की मेहरबानी से उनको ये सब सफलताएँ मिल रही हैं। फैसू ने अपने कॉलेज के दिनों में अपने पॉकेट मनी के लिए होलसेल कपड़े के दुकान पर काम करते थे। वहीं से उन्होंने यूं ही वीडियो बनाने की शुरुआत की थी और उनकी पहली वीडियो पर 600 लाइक्स आए थे, बट मिस्टर फैसू डीमोटिवेट नहीं हुए थे और उसके बाद उन्होंने और भी वीडियोस बनाने शुरू किए। और फैसू का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उनका दोस्त अदनान का हाथ है, जो कि अदनान उन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे बहुत पहले से ही। अदनान टीम 07 का एक हिस्सा है दोस्तों, अदनान ने ही टीम 07 को बनाया है। फैसू की सफलता के पीछे अदनान का ही हाथ है, जो अब फैसू टीम 07 ग्रुप के ही नहीं पूरे इंडिया के स्टार बन गए हैं। फैसू में लड़कियों का फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। फैसू अलग अलग शहरों में जाते हैं इवेंट के लिए, जैसे कोलकाता, दिल्ली, राजकोट, ऐसे ऐसे शहरों में जाते हैं। फैसू के इवेंट का पहला शो जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, वहाँ पे वो अपने टीम 07 के बाकी मेंबर्स के साथ गए हुए थे और वहीं पे रुके हुए थे। इवेंट होने के पहले उन्होंने एक वीडियो बना ली थी, वीडियो बनाते समय होटल का नाम आ गया था, जिसकी वजह से लोगों को पता चल गया और वो वीडियो वायरल हो गई और होटल के सामने बहुत ही भीड़ मच गई उस टाइम। तो भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया, फॉलोइंग को कंट्रोल रखने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा, तो पुलिस ने मैनेज किया। वहीं से मिस्टर फैसू की सफलता स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मिस्टर फैसू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें उड़ना है और कुछ करके दिखाना है। उन्होंने कई इवेंट्स किया और उसमें कई सेलिब्रिटीज़ भी आए, जैसे बॉलीवुड के वरुण धवन, आलिया भट्ट, ये लोग भी मिस्टर फैसू के साथ वीडियो बनाने के लिए उनसे मिले। धीरे धीरे करके मिस्टर फैसू म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आने लगे, जैसे कि उनका पहला सॉन्ग आया था तेरे बिन की भी रवानगी, तो वो 20 मिलियन व्यूज क्रॉस किया था यूट्यूब पर। और उसके बाद एक से लेकर एक गाने मिस्टर फैसू ने निकाले, जैसे तेरे बिन की भी रवानगी के बाद आया उनका फैन गजब तेरा, वो भी ममता शर्मा के साथ काफ़ी पॉपुलर गाना हुआ। उसके बाद एक से एक सॉन्ग निकाला मिस्टर फैसू ने, नज़र ना लग जाए, ये तो 3 दिनों तक ट्रेंडिंग में ही रहा उनका सॉन्ग। तो ऐसे करके उन्होंने कई सारे सॉन्ग भी निकाले। कंट्रावर्सी में फंस गए थे मिस्टर फैसू आईडी को लेकर, जिसमें मिस्टर फैसू ने बना दिया था तब्रेज अंसारी के लिए एक वीडियो, तो उससे काफी लोग नाखुश हो गए और मिस्टर फैसू का आईडी जो है टिकटॉक इंडिया कंपनी ने बैन कर दिया। लेकिन मिस्टर फैसू तब भी हार नहीं माने और अपनी सफलता के पीछे भागते रहे और अब वो म्यूजिक वीडियो में ज़्यादातर नज़र आने लगे। टैलेंट को अब इंस्टाग्राम के जरिए ही दिखाते हैं पब्लिक को और उसके बाद वो एक से बढ़कर एक म्यूजिक करते रहते हैं। अब वो जल्दी फिल्म में भी आने वाले हैं। जन्नत जुबैर के साथ पहला सॉन्ग आया था तेरे बिन की वे रवानगी, तो सॉन्ग में आने के बाद ये लोग कई बार मीटअप भी किए, तो लोगों को लगने लगा ये लोग का कुछ आपस में कनेक्शन है। तो ऐसे कई अफवाहें फैलने लगी और ये अफवाह धुएं की तरह इतनी तेज फैल गई कि लोग सोचने लगे एक दूसरे से लव करते हैं। इंटरव्यू के दौरान एक बार मिस्टर फैसू से पूछा गया कि वो बिग बॉस में जाना चाहते हैं, तो मिस्टर फैसू बोले कि बिग बॉस में कौन नहीं जाना चाहता, बिग बॉस में जाने का हर किसी का सपना होता है। तो ये रही फैसू की सफलता की कहानी, तो कैसी लगी? अब मिस्टर फैसू जल्दी मूवी में भी आने वाले हैं, तो आपको मिस्टर फैसू के ये सफलता की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।